गुड मॉर्निंग हम बड़ी सर, तो फिर हम आज फिर से निकल लिए, तो अभी हम लोग भागसा को लेने जा रहे हैं पहले, फिर गाड़ी को हम स्टेशन पे खड़ा करेंगे, फिर वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे। अभी आज कल तो ट्रेन बिफोर आके खड़ी हो गई थी, लेकिन आज तो फिक्स टाइमिंग पर चल रही है। तो बस अभी हम भाभीसा के घर पे पहुँचने वाले हैं, देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। कल तो ट्रेन में बहुत भयंकर वाली भीड़ थी, मतलब जनरल के अलावा सारे जो बच्चे थे सब स्लीपर में भी घुस गए, हम लोग भी स्लीपर में ही गए थे तो इतनी भयंकर भीड़ थी स्लीपर में भी बहुत ज़्यादा। तो आज देखते हैं आज क्या रहता है भीड़ का, क्योंकि आज मतलब पेपर दो पारियों में भी बट गया, कल जीके का था तो वो। अभी यहाँ धूप है, अंधेरा है, आगे बात करेंगे। 6:30 हो गए, हम भरतपुर स्टेशन पे उतर गए और अब हम जा रहे हैं भाभीसा के सेंटर पे। पहले भाभीसा का सेंटर पास है, भाभीसा का एग्ज़ाम 9 बजे से है, मेरा एग्ज़ाम है 2 बजे से, तो पहले हम भाभीसा को छोड़ रहे हैं, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। तो अभी भाभीसा का सेंटर पास है तो हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं, बाकी काफ़ी ऑटो चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम पैदल ही जा रहे हैं कि मौसम ठंडा है तो घूमते घूमते चले जाएंगे। तो हम लोग अभी रास्ते में रुक के पहले कचौड़ी खा रहे हैं, तो अभी गरम गरम कचौड़ी बन रही है, फिर हम कचौड़ी खाएंगे यहाँ से, फिर थोड़ी ही दूर पे आने वाला है सेंटर, फिर हम लोग सेंटर पे पहुँच जाएंगे। तो हमारी कुल्हड़ वाली चाय आ गई और अब हम कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे यहाँ। करना चाय नीचे भी लगाओ, हाथ नीचे से मोटा रहेगा ना, नीचे से गर्म नहीं है। तो अभी हमने कचौरी तो खा ली, हम चाय पी रहे हैं। भाभी खाने कचौरी नहीं खाई तो बोलती थी पहले, भाभी खाने कचौरी नहीं खाई थी, ये बोले मेरा चाय पीने का मन है, तो लगे हाथ हम लोग भी पीने लग गए दोनों इनके साथ साथ। वैसे हम लोगों ने कल तो नहीं ली थी, हम लोगों ने तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि गंगापुर के हैं ना ये भी, इसलिए चाय का बहुत शौक है इन्हें भी। हम लोग रास्ते से निकल रहे थे तो पास में मंदिर था, तो हमने सोचा मंदिर ढोक लेते हैं। यहाँ भगवान की, ये राधा कृष्ण की मूर्ति, बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है। भोलेनाथ जी, दर्शन कर लिए मंदिर के और हम राहगीर चल पड़े हमारी राहों पे वापस, हमारे रास्ते में फॉक्स आ रहा पीछे। ये आज इस रूट पर हमारा सेंटर है ना, वो एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, डेवलप है। कल वाला तो थोड़ा नहीं था, ऐसा ही था, और जहाँ मेरा सेंटर था ना कल, वहाँ तो इतना सारा पानी भरा हुआ था आगे कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे नदी पार करके जा रहे हैं, और इनको कोविड होने की संभावना नज़र आ रही है थोड़ी सी, तो इन्होंने अपना मास्क लगा लिया अभी से। और ये कैपमैन बताते जाएंगे, ये गाइड हैं, हम टूरिस्ट हैं और ये गाइड है हमारे, जो हमको बताते चल रहे कि मैम ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो सर अभी ये कौन सा एरिया चल रहा है, आप हमें थोड़ा कुछ ये दिस इज़ द न्यू घर, ये अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, दिस इज अ पेड। भाभीसा को तो पहुंचा दिया उनके सेंटर, वो चलेगा स्कूल में। और अब हम लोग वापस, यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं थी ठीक से, तो हम लोगों ने सोचा कि हम वापस थोड़ा मार्केट की तरफ भी घूम लेते हैं, यहाँ पे बैठे बैठे 3 घंटे बोर हो जाएंगे और बैठेंगे भी कहाँ पर, तो इस वजह से हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और कल जो बाकी बिहारी जी का मंदिर था उसकी भी पट बंद थे, तो आज हमने सोचा आज दर्शन कर लेंगे, इसलिए अभी हम ऑटो भी टाइम पे मिल गया हमको, जैसे ही हम कॉलोनी से बाहर निकले तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लक्ष्मण मंदिर भी जाएंगे आज। हम लोग अभी
मंदिर में आ गए और आज तो पट खुले हुए हैं, तो माला वाले प्रसाद वगैरह सब हैं। अभी तो देखो भीड़ भी है काफ़ी। तो ये हमने अभी प्रसाद और माला हमने ले ली, और आज तो भीड़ है। हम कल आए जब तो बिल्कुल सुनसान था, क्योंकि पट बंद हो गए थे ना इसलिए। अभी ले रहे क्या प्रसाद? ले रहे तो चढ़ा दो। अभी ठाकुर जी के पट बंद है, अभी आरती होने वाली है बस थोड़ी देर में। देखिए सब लोग यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, आंटियाँ। जो गेट था वो बंद था, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि इसी गेट के अंदर ही मंदिर है, लेकिन मंदिर सिर्फ ये तो मेन डोर है, मंदिर ऊपर चढ़ के था जहाँ मैंने साइड से दिखाया था, मकान चल रहा था। बिहारी जी के मंदिर जाके हम लोग थोड़ा मार्केट में ही था, लक्ष्मण जी का मंदिर वो देखने आ गए, तो बीच में मार्केट भी था, तो हम लोग घूमते 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 तो थोड़ा इधर का भरतपुर का मार्केट भी देखना हो गया, और हम लोग मंदिर में भी आ गए। तो अभी पीछे मंदिर है, और ये पानी की बोतल लेने गए हैं। तो ये है लक्ष्मण जी का मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये देखो पूरा। लक्ष्मण जी का मंदिर दूर है काफी, पूरे बड़े में पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है। अच्छा अच्छा, लक्ष्मण जी का एक ही मंदिर है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे पूरे बड़े में पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा अच्छा, हम लोग भी पहली बार ही आए थे तो बोला सब लोगों ने, तो उनका दर्शन करने चलते हैं। किस नाम से? नया लक्ष्मण मंदिर। नया लक्ष्मण मंदिर, और ये खम्मान पर तुम्हें वो बेल पत्ता नजर आ रही होंगी, ये शेर जी पूरी निकासी जाए देवता के लिए, शेषनाग के फन पर पूरी निकासी। अच्छा, ये शेषनाग के फन पर है पूरी? हाँ, ये देखो असली तो इनपे भी ज्यादा डाली। हाँ, इनपे भी ज्यादा, इनकी कीमत ज्यादा है। अच्छा, इनपे ज्यादा इनकी। हाँ, हाँ। है? और ये भी शेषनाग के फल पर पूरी निकास कर देख। देखो जी नाग जा रहा ऊपर। हाँ, तुमको बेल पत्थर नजर आएंगी, हर एक का ही है। हाँ, बेल पत्र दिख रहा।
इतना नहीं दिख रहा होगा इतना देख ले, नहीं है सब जगह है। आसमान कितना नीला दिखाई दे रहा है और कितना प्यारा आसमान दिखाई दे रहा है। वाकई में बहुत ही अच्छा मंदिर है और इस पे ये जो बनाई की गई है पत्थर पे, ये शेषनाग के फन है, सारे शेषनाग के फन की बनाई की गई है, पंडित जी ने बताया हमें। बहुत ही अच्छा मंदिर है, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का मंदिर है यहाँ पे। यहाँ मार्केट में कल करवा चौथ है इसलिए इतनी आगे तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा रश हो गया, सारी बाइकों का जाम लग गया इधर। वो देखो पूरा पता उधर तक भीड़ है पूरी आगे तक। हम लोग अभी स्टेशन पे बैठे हुए हैं और ट्रेन काफ़ी लेट है, ट्रेन का टाइम था 7:50 का, ट्रेन का टाइम था और 50 का ट्रेन का टाइम था यहाँ पे, और अब यहाँ ट्रेन आ रही है 8:30 बजे, आधे घंटे से भी ज़्यादा लेट ट्रेन, और हम लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं इधर और मैं बैठी हूँ। भाभी सा का पेपर सुबह हो चुका था तो हम कल जिस ट्रेन से गए थे जनशताब्दी से, उस ट्रेन से भाभी सा को बिठा दिया था तो भाभी सा चले गए और अब हम दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये बाल एकदम ऐसे फैल गए, भूतनियों जैसी बन गई, अब इतना थकान हो गई, बहुत ज़्यादा थकान हो गई। खाना हम लोगों ने खा लिया था बाहर ही रेस्टोरेंट पे, और तो बस अब तो घर पहुँच जाए जल्दी से।